नमस्कार, स्वागत है आपका मीनाक्षीज किचन में। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ मसालेदार आलू वाले चावल की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज़ के आलू लिए, उसको छील के और मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब मैंने गैस पर रख दी है यहाँ पर ये कढ़ाई। मैंने इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़े साइज़ का प्याज। प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और प्याज को हम मीडियम हीट पे सौते कर लेंगे। प्याज को हमें हल्का ब्राउन करना है तो बीच बीच में इसको आप चलाते रहें और इसको हल्का ब्राउन होने तक आप सौते कर लें। तो ये देखिए प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट और इसको भी हम साथ में ही सौते कर लेंगे। 1-2 मिनट सौते करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए प्याज, अदरक और लहसुन हमारे सौते हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कट किए हुए आलू। आलू की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, आप चाहें तो मीडियम साइज़ के आलू भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आलू को हम स्लो हीट पे पकाएंगे ढक्कन लगाकर करीबन 8 से 10 मिनट के लिए ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाए, पक जाए। करीबन 10 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ। एक बार चला लेंगे इसे ताकि नीचे ये लग ना जाए और आलू को भी हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए आलू हमारे काफ़ी कच्चे हैं तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी आलूओं को पकाने के लिए। करीबन 1/2 कप पानी मैं इसमें डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे इसको एक बारी और फिर से ढक्कन लगाकर मैं इसे पकाऊंगी करीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूं। आलू को भी हम कट करके देख लेंगे कि आलू हमारा पका है कि नहीं। तो आलू हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ मसाले। हमने नमक पहले ही ऐड कर दिया था ताकि आलू हमारे जल्दी से गल जाएं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। 1/2 चम्मच ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच ऐड करेंगे गरम मसाला। 1/2 चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ही ऐड करूँगी मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर। चाहे तो आप काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मसाले डालते समय आप गैस को स्लो हीट पर रखें, नहीं तो मसाले हमारे जल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मसाले भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप दही। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। अब आप चाहें तो इसमें नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगता है तो इसमें आप नमक भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से ढक्कन लगाकर इसे हम पकाएंगे करीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद मैं इसे चेक कर लूंगी। तो ये आलू का मसाला हमारा तैयार हो गया। एक बार चला लेंगे इसे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बॉईल किए हुए राइस। जो राइस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ उसमें ऑलरेडी नमक है। अगर आपके चावलों में नमक नहीं है तो आप आलू में नमक उसके अकॉर्डिंग ही डाल दें। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। चावल में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसालों की क्वान्टिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। लास्ट में ऐड कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ धनिया। गैस को बंद कर देंगे। चावल हमारे तैयार हो गए हैं, इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो तैयार है हमारे चटपटे मसालेदार आलू वाले चावल। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियोज़ का मैसेज आपके पास आ सके।